जो पानी के अंदर मौजूद है उसको स्पॉट किया जाएगा, लेकिन डाउन करने की जरूरत नहीं। शैडो जी आपने क्या किया, के पास वो हीलिंग मौजूद नहीं है। राइजिंग फाल्कन वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो एक खिलाड़ी वो मुश्किलें बढ़ाते हुए कप्तान रहेंगे इस प्लेन में। एक और यहाँ पे काउंट नहीं होगा, तो रिस्क नहीं लेना एकदम से और हमारे पास जरूर पहुंचना। जी हाँ, और साथ ही साथ रिस्क वो अनसब ने लिया था थोड़ा लेट रोटेट करके, और वो एक नॉक आता हुआ नजर आएगा गुजरात टाइगर्स। वो ऑलरेडी यहाँ पे फील्डिंग सेट करके बैठे, लेकिन उनके सामने से प्लेयर्स निकल रहे। चलिए फाइनली एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया जरूर, नायर वो रहेंगे जिनका फिनिश सिक्योर किया जाएगा। अपोलो की बात करें, उनका जो वेपन है वो शायद रिलोड पे गया विक्स की, उन्होंने वो नॉक निकाला जरूर, और दो फिनिशेस जो जाते हुए नजर आएंगे विक्स की खाते में, और वो देखने को मिल रहा है। बट गुजरात टाइगर एक और फाइट की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे, काफी जल्दी इस फाइट को समाप्त करके रोटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक साथ चार के चार खिलाड़ी जा रहे हैं, S12K का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नॉक किया गया और खत्म भी कर दिया जाएगा। जरूर से वो होते हैं, और मुझे लग रहा है जिस एग्रेशन पे है गुजरात टाइगर, वो स्लैमिंग करने से पहले दो बार भी सोचेंगे नहीं, उनकी पोजीशन रिवील हो गई, कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। लेकिन क्या वो टीम साइक वो थोड़ा वाइड रोटेशन करना चाहते हैं, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि इन दो टीम्स के बीच की फाइट में एक बार फिर से वो अपनी एंट्री लेते हुए नजर आए। और ये लीजिए बैक लाइन से आते हुए नजर भी आने वाले मिस्टर स्प्रे, वो अपोलो को डाउन करेंगे। क्लच गॉड ही इज लुकिंग कंफ्यूज्ड, पीछे भी खिलाड़ी हैं आगे भी खिलाड़ी हैं। एक 1v1 की सिचुएशन में कन्वर्ट किया जरूर था, लेकिन टीम हेल वो फाइनल बुलेट इन द कॉफिन डालेंगे बनाए गए, और वहां पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा इतने कम ब्रीदिंग स्पेस में अगर एक एक्यूरेट ग्रेनेड जाता है मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और मैं इसी चीज की बात भी कर रहा था, वो ग्रेनेड हमें जाता हुआ नजर आएगा एंट्री सर्कल के अंदर होगी। पांच फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वही दूसरी तरफ अगर एवोल्यूशन मिजोरम की बात करें, वो एक आखिरी खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करेंगे, और जैसा नाम वैसा ही काम, हमने चर्चा भी की थी कि ये एक बहुत स्ट्रांग लाइनअप, लेकिन बच नहीं पाएंगे अन सब की थर्ड पार्टी से। लेकिन इनको भी आप देखिए कोई और बाहर कर रहे, कितने सारे क्लैशेस हो रहे, आप उनको बाहर करेंगे आपको कोई और बाहर कर दे रहे। मिस्टर स्प्रे के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, टीम साइक ही रहने वाली है, व्हीकल लेकर के सीधे वो पुशिंग करते हुए नजर आएंगे, रन ओवर करने की कोशिश, और उसमें कामयाबी भी उनको हासिल होगी जरूर। फोर का क्या मात्र एक खिलाड़ी बचने वाले टॉय, और चलिए उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम साइक उनकी एक बेहतरीन शुरुआत हमें देखने को मिलती हुई, जहां पर ऑलरेडी वो फिनिशेस बॉन पॉइंट लग रहा है, लग तो रहा है कि यहीं पे सफर समाप्त हो सकता है, लेकिन स्प्लैश डैमेज। और अब फिर से आप देखिए दो खिलाड़ी व्हीकल में विराजमान अटैक करते हुए, और ये मैच तो लग रहा है कि टीम साइक के कंधों पे ऑलरेडी आ चुका है। ये मैच बहुत इजी इनके लिए साबित हो, क्योंकि कहीं भी लगा नहीं इतना डिफिकल्ट होगा, कैरी को डाउन किया गया, लेकिन आखिरकार इस मैच मेरे से प्रेडिक्शन मांग ली है, तो मैं एक में जादुई दोनों ही खेमों से होते हुए देखने को मिलेगा। ये बहुत क्लोज ग्रेनेड, और फाइनली यूएस जॉट के तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड साबित हुआ जॉट्स के ऊपर रेजर के रूप में। लेकिन अब देखिए कंफर्मेशन, क्या प्रिसाइज ग्रेनेड था, मजा आ गया ये प्रिसिशन देख के। कीटो की तरफ बढ़ रहे जूस, देखिए एक और ग्रेनेड विंटेज जॉट को पहले डाउन किया गया था, लेकिन यूवी जॉट रुकने का नाम नहीं ले रहे, ओपेक्स को भी डाउन कर दिया है। वहां पे बेशक एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जूस रिस्क नहीं लेना चाहते, बचे हुए खिलाड़ियों को भी क्लोज बनाना चाहते हैं, और विंटेज जरूरी। लेकिन इसी बीच एलबी भी आते हुए, चलिए सपोर्ट की जरूरत थी रोबोट्स को, एलबी भी आ चुके हैं। सो टेक्निकली अभी राइजिंग फाल्कन्स के हाथ में ये फाइट है, लेकिन एलबी को डाउन करने की पूरी कोशिश की गई, जूस सही समय पे प्रोन हो गए क्योंकि पीछे से किडो भी आ गए थे फाइट में, जूस को लो एचपी पे कर दिया गया है। लेकिन अभी जूस को जरूरत है ऊपर से यूवी जॉट के एक और उस अमेजिंग ग्रेनेड की। एलबी लो एचपी पे है, हील करने की जरूरत है, किडो फिलहाल कवर के पीछे है, लेकिन यूवी जॉट विद डीबीएस इन हैंड, चलिए ये कनेक्शन मिलेगा, एलबी को भी शॉट देंगे, और इसी के साथ एरोबॉट्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आया। और नहीं है कि इस कंपाउंड में एक पूरी की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे, लेकिन अब पीछे आप नहीं हट सकते, आपको ये फाइट लेना पड़ेगा। वीएट बाबा की तरफ से एक ग्रेनेड लग तो रहा है कि वहां पे स्प्लैश डैमेज एटलीस्ट देके जाएगा, बट उससे बेहतर कनेक्शन नॉकआउट निकाला जा चुका है। टीम सेली के पास एक बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल इस फाइट में, आते के साथ अगर आप एक क्लियर को नॉक कर दे तो अब लगभग उस फाइट को अपने नाम बहुत बार कर लेते हो। देखिए थ्रोएबल्स का काफी उमदा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, एक और ग्रेनेड गया है, क्या ये सही जगह पे लगेगा? जी हाँ, काफी हद तक ये स्प्लैश डैमेज का प्रयोग किया जा रहा है, बैक टू बैक ग्रेनेड्स, एंचा भी डाउन है, यूआ ओपी प्रोन करके स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, सामने की तरफ है डीबीएस, इसीलिए अपना हल्का फुल्का डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। यूआ ओपी फिर भी जंप शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जाके रिवाइव देने की वो कोशिश करेंगे, बट ये जो फाइट था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें होता हुआ देखने को मिला, जहां पे कैकेरॉट और गोकू ने बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस दिखाया, बट गुजरात टाइगर के क्लच गॉट एक बहुत बड़े मुसीबत में, जहां पे शॉट इतना ज्यादा कमाल करा कि उनका बचना
लगभग लगभग अब नामुमकिन सा लग तो रहा है। जी हाँ, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और एक और खिलाड़ी ने फुट से शायद वहां पे अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर पाया, इसी के कारण वहां पे डाउन हुए। अपोलो यहाँ पे व्हीकल स्टार्ट किया, क्या सर्कल में जाने की कोशिश होगी, वक्त है इनके पास, बड़े आराम से और रिवाइव दे सकते हैं, बट कंधों पे उठाया गया, फिर से रखा गया और अब मुझे लगता है यहाँ से निकलना ही है। ठीक समझे कि बट टीम से लेने जाने नहीं देंगे। अपोलो यहाँ से हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि वो सर्वाइवल अंक निकाल पाए, निकलने में अभी कामयाब हुए, लेकिन शायद इनकी व्हीकल को यहाँ पे हम बहुत जल्दी ब्लास्ट होते हुए देखेंगे। क्या कमाल का एफर्ट लगाया गया, आखिरकार खत्म किया गया इन गुजरात टाइक। वो कीमती पॉइंट निकाल के मैं जा सकता हूँ तो जवाब रहा नहीं, बट सिली की बात करें फिर से एक फाइट की तरह आ चुके हैं और ट्राई करेंगे कि इस फाइट को भी जल्द से जल्द अपने नाम करें। काफी क्लोज वो बैटल चलता हुआ जहाँ पे युवा को डाउन किया जाएगा, सूर्या हमें पीछे से कॉल फायर देने की कोशिश करे, उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम और ये कितनी बड़ी गलती हो गई इनके तरफ से। दो टीमों के बीच में वो सैंडविच हुए और उसका खामियाजा सिली जो एक अच्छे फॉर्म में चल रहे थे इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। और मजे की बात मैं बता दूं, पहले सवाल आपसे, क्या आप एनिमे देखते हैं? जी। क्या आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है? दोनों दिख रहे हैं मुझे। जी हाँ, हमारी जनता भी ये रेफरेंस समझ चुकी है क्योंकि कैकरॉट और गोकू दोनों एक साथ जीवित हैं। तो देखिए चैलेंजेस तो सामने टीम साइक के लिए पुट अप होंगे ही होंगे। क्लोज इन करते हुए जी हाँ, कैकरॉट सुपर सेयन मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, 5 फिनिशेस कैकरॉट के हाथ में आ चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट क्लचेस तो अब तक करके दिखाया, लेकिन अभी पिछले मैच के विजेता को शट डाउन करने का इंतजार है मिस्टर स्प्रे क्लच मास्टर अपनी टीम के। लेकिन काफी ज्यादा दूर से ये घुसो ई-स्पोर्ट्स का स्क्वाड 10 फिनिशेस के साथ सरवाइव कर रहा है। देखिए इस फाइट में इन्होंने बहुत सही वक्त में घुसा और जिस तरीके से इन्होंने फिनिशेस निकाल रहे, लग तो रहा है कि ये मैच इनके नाम हो सकता है। 10 टोटल फिनिशेस, फिर से उनको डैमेज दिया जाएगा और बैकअप भी आप देखिए जो फ्रंट लाइन कमांडर है वो आगे जा चुके हैं। तो कुल मिला के गोकू के लिए मुश्किल क्योंकि इकलौते खिलाड़ी जिगजैग करके जाएंगे और बड़े आसानी से डाउन करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। पीछे से वो कवर फायर जो डिमांड कर रहे थे शायद उतना बेहतर मिला नहीं, लेकिन आखिरकार खत्म किया गया। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका अपोनेंट के पास की दो के नजर आ रहे, ग्रेनेड परेड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और इसी के साथ एडी को डाउन कर दिया गया है अवेंजर नजर आते हुए और काफी ज्यादा दूर हमें रंजन ओपी भी नजर आते हुए, अवेंजर को भी टेक डाउन कर दिया है, रंजन बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग 1v4 की सिचुएशन। हम आशीष की बात कर ही रहे थे, देखने को मिल जाएंगे कांग्रेचुलेशंस ऑन द मैरिज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हालांकि कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखिए उतरते साथ ही फाइट देखने को मिल रही है। गुजरात टाइगर्स इस बार वाघ शिकार पे उतरे हैं, उतरते साथ फाइट में जाते हुए नजर आएंगे। आशीष पिछला मुकाबला काफी अच्छा गया था लेकिन इस बार टैब गॉड को डाउन कर दिया गया है, साथ में रैगनॉर भी डाउन हो चुके हैं, दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं वहां पे। देखिए गुस्सो ईस्पोर्ट्स पहला मुकाबला खराब गया, दूसरा मुकाबला एक बड़ा मुकाबला गया और तीसरे ऐसे में एक नॉक निकाले, अभी भी 2v3 की सिचुएशन रहने वाली है और ये लीजिए सिचुएशन को इवन स्टीवन किया जाएगा गुस्सो ईस्पोर्ट्स के द्वारा। घर में आप उनको फिनिश वहां पे कर सकते थे, वो दो अंक आपको मिल जाते, वो उन्होंने किया नहीं, सीधे फाइट के लिए वो गए। खैर अब दूसरी फाइट की तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे जहां पे व्हाइट शैडो का जो मुकाबला है वो हमें देखने को मिल जाएगा शैडो की स्क्वाड के साथ और इंस्टेंटली जो एलिमिनेशन है वो आता हुआ। इसी के साथ एक या दो प्लेयर होते हैं जो पानी में जाते हैं, बाकी दो प्लेयर सतह पे फाइट करने की कोशिश करते हैं। बट इसी बीच अगर आप बात करें गोकू की, अपोलो को टेक डाउन किया गया है और गुजरात टाइगर्स एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुश्किलों में। और अभी के लिए देखिए सामने से टीम मिलते हुए नजर आए बट जोन का एक और शिफ्ट और एक बार फिर से हमें गुजरात टाइगर्स के खाते में ही सर्कल जाता हुआ नजर आएगा। टीम साइक के कैरी वो एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे जो कोशिश करेंगे कुछ और अंक निकालने की, अन सब के भी मात्र एक ही प्लेयर मौजूद है और वो भी पानी के अंदर ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें राइजिंग फाल्कन्स की, पॉट किया गया यूवी जॉट को, इंस्टेंटली डाउन किया गया और अब मुश्किलें बढ़ेंगी सर्कल के अंदर उनको एंटर करने और पीछे से फोरका का जो स्क्वाड है वो फुल पावर में आगे आ रहा था पर ये लीजिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सोनी की बात करें ऊपर की तरफ प्लेयर मौजूद है जरूर शायद अप्रोच, लेकिन मिनी मैप में कोई एक खिलाड़ी तो है जो ESPN के जस्ट पीछे हमें देखने को मिल रहा है, एक सरप्राइज एंट्री देते हुए नजर आएंगे रेजर और वो जो नॉक्ड प्लेयर है उनको तुरंत फिनिश किया जाएगा ESPN। उनका ये एक बड़ा मुकाबला हो सकता था लेकिन रेजर उन्होंने खराब कर दिया ये मुकाबला उनके लिए। कैकरॉट इज ऑल्सो डाउन, गोकू और हनी सिर्फ दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, रेजर को स्पॉट करेंगे तुरंत फिनिश कर देंगे लेकिन अभी के लिए मंशा होगी कैकरॉट कहां से मुकाबला बना सकते हैं। बैकलाइन उन्होंने क्लियर कर रखी है, वो एक खिलाड़ी जो पानी के अंदर मौजूद है उनको स्पॉट किया जाएगा लेकिन डाउन करने की जरूरत थी शैडो जी, आपने क्या किया, वो फिनिश उनको निकालना चाहिए था बट विक्स की चलिए वो वहां मौजूद थे और अब मात्र ये एक खिलाड़ी बचता है, 7 फिनिशेस हमें देखने को मिल जाएंगे गुजरात टाइगर्स के पास। बट विक्स की एक बेहतरीन स्प्रे देते हुए नजर आएंगे, विंटोज को उन्होंने डाउन की, पहली जो फाइट है वो राइजिंग फाल्कन के बीच में हमें देखने को मिल जाएगी
अगर आप बात करें तो आगे बढ़ा जा रहा है जूस के द्वारा, लेकिन डैमेज वो पलटवार बहुत ही ज्यादा बेहतर जो हमें देखने को मिलता हुआ। ESCN पिछले मुकाबले में वो चिकन डिनर निकाल के कहते हैं, और अब तो पोजिशनिंग भी उनकी मालूम है, और कहीं ना कहीं विक्स की वो भी शॉट देते हुए नजर आएंगे। 5 फिनिशर्स ऑलरेडी उनके पास मौजूद, एक और इंपॉर्टेंट नॉक निकाला, लेकिन दिक्कत वही कि उनके पास वो हीलिंग मौजूद नहीं है। राइजिंग फाल्कन वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो एक खिलाड़ी वो मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएगा। हनी यहां पर मौजूद है, एक 1v1 में कन्वर्ट हो चुकी ये बैटल DBS का एक्शन, और हनी वो फिनिश निकालते हुए नजर आएंगे। एंड नाउ इट्स ऑल डाउन टू विक्स की, ये छठा फिनिश उनके पास, आगे बढ़ रहा है गुजरात टाइगर्स का ये बाग। लेकिन अगर हम हनी की बात करें DBS के साथ, वो भी बिल्कुल तैयार देखने को मिलते हुए। एक हाथ में है S12 के, सामने है DBS, 1v1 की बैटल, और काफी हद तक जब तक अभी तक सर्कल ने जितना फेवर किया है गुजरात टाइगर्स को, मैं कहूंगा विक्स की फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब हनी भी आगे बढ़ते हुए विक्स की के ऊपर प्रेशर, लो HP पे है, किसकी बुलेट पहले लैंड करेगी, सामने शॉट देने की कोशिश की, और इस बार ये चिकन डिनर इस सैनहॉक के मुकाबले की, जहां सबसे ऊपर सकते हैं वो 24 अंक निकाले, फिर 6 अंक इस मुकाबले, इन 3 मुकाबलों के बाद कौन सी टीम के वो बहुत जरूरी है। और अगले बट आज के लिए बस इतना ही, मेरा नाम अंकित पांडे, एक एंकी बॉट मेरे साथ जुड़े।